जैसे अफीम हमारे यहाँ अभी होती है, उसको तो आप भी नहीं खा सकते। आप भी चाहे इतनी सी भी मेरे हिसाब से प्योर चीज़ तो नहीं खा सकते, मुँह में छाले हो जाते हैं। आपके यहाँ तो हमारे यहाँ से जाने के बाद में तो 10 गुनी बढ़ा देते हैं, 1 किलो के 10 किलो कर देते हैं। जैसे दूसरे देश मिलके ये कहते हैं, मतलब भारत वालों को कितने अफीम देनी है, कितना रकबा देना है, और भारत वालों से कितनी अफीम हम अपने को लेनी है, मतलब हिसाब से 800 ग्राम से लेके 900 ग्राम तक देते हैं आरी। एक आरी कितना, हमारे आरी की जमीन, आरी मतलब जैसे एक बिस्वा हमारे एक बीघा होता है, वो 20 आरी का होता है। और अफीम बीजना ऐसे है जैसे हथियार रखना। हाँ बिल्कुल, जैसे हम सोचते हैं रिवाल्वर चोरी ना हो जाए, बंदूक चोरी ना हो जाए, ऐसे अफीम चोरी होगी तो इससे भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मतलब देखो बाल्टी बाल्टी चोरी हो जाती है, थाने में तो रिपोर्ट कराते हैं तो ये मेरी बाल्टी चोरी होगी, लेकिन ये उनको गारंटी से पता है कि ये पट्टा अपना बाने में नहीं है, तो वो हमारे को सबको मिलके किसी उसकी बाल्टी पूरी करनी पड़ती है। तो आपकी बाल्टी पूरी करनी पड़ती है, वो आदमी पैसे जरूर देगा, आपको दे देगा जब देगा, लेकिन सब मिल मुला के भाई थोड़ी थोड़ी एक बार काम चलाना पड़ता है उसका, कि यार काम चलाना पड़ता है। वो रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में भी उसको बाल्टी बना के देगा तो ही पट्टा आएगा, बाकी नहीं आएगा। कितने लोग अफीम खाते होंगे आप सच सच बताना, जहाँ पे अफीम होती है क्या वहाँ पे लोग अफीम खाते हैं? कभी ये भी होता है कि कैसे जैसे अफीम कम पड़ गई, ओके अब मेरे पट्टे में जैसे अफीम कम पड़ गई, ठीक है, तो हमारे को इधर उधर करके कैसे दूसरे किसानों से खरीदनी पड़ती है, खरीद के भी वो पट्टा जरूर पूरा करना पड़ता है, और वो भी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, मार्केट अच्छी होनी चाहिए। क्या होता है उसमें जो अफीम है वो तो सरकार के पास चली जाती है, फिर आपके पास वो खसखस बचती है जो वाइट वाली होती है? खसखस बचती है। अफीम के कितने पैसे देती है सरकार? एक मान लो भी क्या, वो क्वालिटी के हिसाब से देता है, मिनिमम से मैक्सिमम कितने पैसे हो जाते हैं? मतलब यूँ देखो 1800 रुपये किलो से लगा के किसी 3500-4000-4500 तक दे देते हैं। पंजाब के किसानों को ऐसा लगता है कि उनकी यदि वो अफीम बीज लेंगे तो उन्हें लगता है कि 1 किलो का सरकार 2-2.5 लाख रुपए देगी, 3000 रुपये किलो अफीम लेंदी है सरकार, ये आए नहीं कोई लुट मची भी अभी भाई तुम 2.5 लाख में बेच लोगे। तो वो भी जो ये चीज़ा सुने क्लीयर होने चाहिए, जो अभी खेती डिमांड कर सूँ पता होना चाहिए भी वह फायदा होगा जना। तो मान लीजिए फिर ये मान लीजिए कि आपको 40,000 रुपये तो अफीम से बन जाते हैं, और लगभग 1,50,000-1,60,000 रुपये आपको जो बन जाता है खसखस से बन जाता है, तो एक पट्टे पे आपकी आपको 2 लाख रुपए मुनाफा हो जाता है ना। अफीम के जो डोडे उनको भी गवर्नमेंट खरीद रही थी पहले, कितने रुपए किलो? वो पहले स्टार्टिंग में तो कम थे, लेकिन बाद में उसके 150 के आसपास हो गए थे, 150 रुपये किलो डोडे, 150 रुपये किलो डोडे। तो अब जब भी गवर्नमेंट नहीं खरीद तो किसान के पास बच जाते सारे डोडे फिर? नहीं वो बच तो जाते, लेकिन अब किसान तो परेशान हो रहे हैं अभी तो। कैसे? अब गवर्नमेंट खरीद नहीं रही है, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जैसे आप हम डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकते, गवर्नमेंट ये कहती है कि इनको आप हमारे सामने जलाओ। अच्छा, हमारे को ला के दो। तो सरकारी अधिकारी आते हैं, 3 साल हो गए कि किसान परेशान हो रहे हैं। ब्लैक मार्केट में तो इनका काफी ज्यादा भाव होता है, ब्लैक मार्केट में तो भाव है ही है, लगभग 50 गुना ज्यादा हो जाता। किसी खेत में आती बिल्कुल ढीली ढीली, और किसी खेत में आती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी। ओके जो अच्छी आती है वो तो सूखती नहीं है,
जो पानी जैसी आती है वो सूखती है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਸਪਰੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਛਿੜਕਣੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਮੈਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਨਾ 60,000 ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਮੇਨ ਦਵਾਈ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਅਫੀਮ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਨਕੋ ਜੈਸੇ ਹਮ 250 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਲਾਤੇ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਅਫੀਮ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਲੇਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਹਦੀ ਅਫੀਮ ਦੀ, ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਊਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 30 ਘਰ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 30 ਪਟੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਫੀਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਠਾਕੁਰ ਭੈਰੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਰਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਹਰਗੜ੍ਹ, ਸੋਰੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਹਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਮਸਕਾਰ। ਔਰ ਸਰ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਫੀਮ ਕੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਸੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੋ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਕੇ ਗਾਓਂ ਮੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੇ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ? ਹੋਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਬ ਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਕੇ ਗਾਓਂ ਮੇ ਇਹ ਖੇਤੀ? ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਕੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸੇ ਇਸ ਗਾਓਂ ਮੇ ਲਗਾ ਅਫੀਮ ਕੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪੇ। ਔਰ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਆਪਕੇ ਗਾਓਂ ਮੇ ਕੁੱਲ ਕਿਤਨੇ ਪਟੇ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀਏ ਹੋਏ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ 80-90 ਥੇ। ਓਕੇ। ਅਬ ਕਟਤੇ ਕਟਤੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 30-32 ਰਹਿ ਗਏ। ਤੋ ਤੀ ਇਹ ਕਟੇ ਕਟ ਕਿਉਂ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ? ਜਿਸੇ ਅਫੀਮ ਦਿੱਤੇ ਹਮ ਉਸਮੇ ਕਿਆ, ਜਿਸ ਅਫੀਮ ਅਗਰ ਮਾਤਰਾ ਸੇ ਕਮ ਗਈ ਤੋ ਵੀ ਪੱਟੇ ਕਟਤੇ ਹੈ। ਅਬ ਇਹ ਇਹਨੋਨੇ ਮਾਰਫਿਨ ਸੇ ਲੈਣ ਪੱਟੇ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਆ, ਤੋ ਮਾਰਫਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਤੋ ਵੀ ਪੱਟੇ ਕਾਟ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਰਫਿਨ ਅਗਰ ਕਿਆ ਹੋਤੀ ਹੈ? ਮਾਰਫਿਨ ਮਤਲਬ ਉਸਮੇ ਜੋ ਕੜਵਾਸਪਨ ਹੋਤੀ ਨਾ, ਓਕੇ, ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਹੋਤੀ ਉਸੇ ਬੋਲਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਪੱਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸੀ ਬੇਸ ਪੇ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਜਦੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਹੋ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਸਮੇ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੋ ਆਪਕੋ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਪੱਟੇ ਮੇ ਕਿਤਨੇ ਬਿੱਘੇ ਕਾ ਪੱਟਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਰੀ ਆਤੀ ਹੈ ਇਸਮੇ, ਜੈਸੇ 12 ਆਰੀ ਹੋਈ, 10 ਆਰੀ ਹੋਈ ਔਰ 6 ਆਰੀ ਹੋਈ। ਓਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾ, ਉਹ ਪੋਲਿਸੀ ਜੈਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਕਿਤੇ ਅਫੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਤਾ ਰਕਬਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਾਲੋਂ ਸੇ ਕਿਤੀ ਅਫੀਮ ਹਮਕੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਵੋ ਜੋ ਰਕਬਾ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸਕੋ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਬਈ ਅਬਕੇ ਪੱਟਾ ਬੜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਭੀ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕਿਤਨੇ ਪੱਟੇ ਹੈ? ਅਭੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 3 ਪੱਟੇ ਹੈ। ਆਪਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਪੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਹੈ। ਆਪਕੇ ਬੱਚੇ ਕੇ ਨਾਮ? ਹਾਂ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਮਾਨ ਲਓ ਆਪਕੋ 3 ਪੱਟੇ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕਿਤਨੀ ਅਫੀਮ ਦੇਣੀ ਪੜੀ ਤਿੰਨੋ ਪੱਟੋ?
मतलब हम सरकार आरी के हिसाब से 56 की औसत भी लेती है, 70-80 की भी लेती है, लेकिन हम मतलब हिसाब से 800 ग्राम से लेके 900 ग्राम तक देते हैं आरी की। एक आरी कितना हमारे आरी की जमीन? आरी मतलब जैसे एक एक बिस्वा हमारे एक बीघा होता है वो 20 आरी का होता है। अच्छा, एक बीघा आपका 20 आरी का? 20 आरी का होता है। तो मान लो जैसे मैं यदि मैं पंजाब वालों को बताऊं तो लगभग इनके 10 बीघे हमारे एक किले के बराबर होते हैं, 2.25 बीघे का एक किला होता है ना। अच्छा, तो मान लो इनू बेसवे कढ़ लो है ना सर, 20 कनाला 20 कनाल की होता, 20 मरलां दी एक कनाल होंदी है, जिवें अपने 20 मरलां दी एक कनाल होंदी है, तो आपके 12 आरी का एक बिस्वा होता है ना। मतलब 10 आरी का एक बिस्वा, एक बीघा हुआ, एक बीघे के 20 आरी, 20 आरी हो गई। ठीक है, सेम ही है, जिवें आपां कहिंदे 20 मरलां दी एक कनाल होंदी है ना, तो 20 आरी का एक बीघा होंदा, क्योंकि आरी शब्द लगातार सर यूज कर रहे, तो मैं थोड़ा तुहानूं दसां ना, जिवें अपनी एक मरला कह लो, इन्ने मरले होंदे आ। तो सर मान लो आपको कितनी बचत होती है इसमें और कितनी खपत होती है? देखो ये मतलब यूँ आप ये तो नहीं कह सकते हो हर साल बचत हो ही जाएगी आपकी, बचत होती भी है, और कभी ये भी होता है कि कैसे जैसे अफीम कम पड़ गई। ओके, अब मेरे पट्टे में जैसे अफीम कम पड़ गई, ठीक है, तो हमारे को इधर उधर करके कैसे दूसरे किसानों को खरीद के भी वो पट्टा जरूर पूरा करना पड़ता है, और वो भी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए वो कोई जैसे जैसे अपने गांव में है या आसपास कहीं, जैसे गांव में कम पड़ गई, पूरा गांव ही बिगड़ गया, मतलब फसल पूरे गांव की नहीं, पूरे गांव की फसल, जैसे दाब बोलते हैं ना उसको, शीतलहर, अगर शीतलहर गिर गई तो पूरा गाँव ही बिगड़ेगा, तो भी हमारे को क्या, वो पट्टा बने रहने के लिए कहीं से भी खरीद के ला के देनी पड़ती है, लेकिन देनी पड़ती तो ही पट्टा मिलता है, बाकी पट्टा मिलते ही नहीं। ठीक है, तो कम से कम आप कह रहे हो एक आरी का 800 ग्राम देना पड़ता है मिनिमम। हाँ, यूं मान के चलो आप 800 ग्राम तो दोगे तभी पट्टा आएगा वापस, मतलब एक मरले का 800 ग्राम का मतलब समझते हो भी किलो आ गया, मतलब एक किले की 800 ग्राम एक आप अगर एक मरले का 800 ग्राम देना पैदा इन्हों। सो आपको जो और क्या होता है उसमें जो अफीम है वो तो सरकार के पास चली जाती है, फिर आपके पास वो खसखस बचती है जो वाइट वाली होती है? खसखस बचती है उसके, जैसे अफीम के पैसे आते हैं, अफीम के कितने पैसे देती है सरकार एक माल? वो भी क्या, वो क्वालिटी के हिसाब से देता है, मिनिमम से मैक्सिमम कितने पैसे हो जाते हैं? मतलब यूँ देखो 1800 रुपये किलो से लगा के किसी 3500-4000 तक दे देते हैं। तो इतने एक गल बड़ी नोट करने वाली है कि सानू लगता अफीम जे आप बीज लाँगे तो साढ़ी 2.5 लाख में विकया करूगी, 1.25 लाख किलो नूगी, तो सर आपको बता रहे हैं कि जैसे पंजाब के किसानों को ऐसा लगता है कि उनकी यदि यदि वो अफीम बीज लेंगे तो उन्हें लगता है कि एक किलो का सरकार 2-2.5 लाख रुपए देगी। आप दोबारा रिपीट करना, एक किलो का कितने देते हैं? एक किलो का ज़्यादा से ज़्यादा 4500 रुपये करीब। तो हम मान लीजिए यहाँ सरकार की जड़ी खरीद है ना वो सिर्फ 4500 रुपये, मतलब सबके नहीं आते हैं वो भी। अच्छा, मतलब यूँ देखो आप किसी 2500-3000 की मिनिमम रेशो पड़ती है, 2500-3000 किलो से जाती है, 3000 रुपये किलो भी लेंदी है सरकार, ये आए नहीं कोई लुट मची भी अभी भाई तुम 2.5 लाख में बेच लोगे। तो वो भी जो ये चीज़ा सुने क्लीयर होना चाहिए, जो अभी खेती डिमांड कर सू पता होना चाहिए भी वह फायदा होगा जना। तो 3000 रुपये किलो से लेके 4500 रुपये किलो आपको इससे ऊपर नहीं देते, तो आपके पास 3 पट्टे हैं सर, है ना? इस बार कितनी अफीम दी आपने सरकार को? फिर हमने मैंने दिए 900 ग्राम के हिसाब से, मेरे पास एक 10 आरी का पट्टा था,
ਦੋ ਪੱਟੇ ਥੇ 12-12 ਆਰੀ ਕੇ ਤੋ ਆਪਣੇ 10-20-32 ਆਰੀ ਕੇ 9 ਕਿਲੋ ਤੋ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 9 × 3 = 27 ਔਰ 9 × 4 = 36 27-28 ਕਿਲੋ ਕਾ ਕਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਆਪਣੇ 27-28 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਤੋ ਉਸਕੇ ਆਪ ਕੋ ਮੰਨ ਲਓ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਕਿਤਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਜੇ ਤੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੱਟੇ ਪੇ ਇੱਕ ਪੱਟੇ ਕਾ ਤੋ ਮੰਨ ਲਓ ਅਫੀਮ ਕੀ ਖੇਤੀ ਜੋ ਜੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ 10 ਨਹੀਂ 9 ਜੈਸੇ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੈ ਤੋ 9 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ 10 ਆਰੀ ਕੇ ਪੱਟੇ ਕੀ ਹਾਂ 9 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 9 ਅਗਰ 35 ਮੈਂ ਤੋ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾ ਹੋਗਾ ਇੱਕ ਪੱਟਾ ਹਾਂ 35 ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਕਸਿਮਮ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੱਟੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਟੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਮ ਵੇਚ ਜੇ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਟਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਜੋ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਕਿਆ ਆਪਕੋ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਿਸੇ ਪੋਸਤੇ ਬਚਤੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਆਪਕੋ ਖਸਖਸ ਬਚ ਜਾਤੀ ਹੈ तो खसखस खसखस का आजकल भाव अच्छा लगता है कितने रुपए किलो बिकती है मतलब 10 आरी में 1 क्विंटल मतलब मिनिमम है 1 क्विंटल 1 क्विंटल से ऊपर भी बनते हैं दाने और कम एक से डेढ़ क्विंटल मान लें 1 से 1.25 क्विंटल मान लो आप एक से तो उसका भाव कितने रुपए किलो होता है करीब करीब 1.5 लाख रुपए है 1 किलो का एक क्विंटल का तो मान लीजिए फिर ये मान लीजिए कि आपको 40 हज़ार रुपये तो अफीम से बन जाते हैं और लगभग 1.5 लाख 1,60,000 रुपये आपको जो बन जाता है खसखस से बन जाता है तो एक पट्टे पे आपकी आपको 2 लाख रुपये मुनाफा हो जाता है हाँ 2 लाख रुपये मुनाफा तो वो एवरेज और यह जब यहाँ पे गेहूँ वो बीजते हैं तभी अफीम उगती है ना हाँ गेहूँ के टाइम पे वो अफीम होती है सो सब तो वे अफीम के नालों ज़्यादा जरा है जो आप गल करिए तो फायदा जरा किसान होंगे वह होंगे खसखस जी जी खसखस के बाद बचती है तो मतलब कि जरा आप अद्धे किले च 2 लाख रुपये की जोड़ा है 2 लाख रुपया कमा लेता है एक किसान नहीं उसमें उस अभी 2-3 साल से तो नहीं दे रही गवर्नमेंट बाकी इसके जो पोस्ते के ऊपर जो खसखस के दान ये वो डोडे आते ना अफीम के जो डोडे उनको भी गवर्नमेंट खरीद रही थी पहले कितने रुपए किलो वो पहले स्टार्टिंग में तो कम थे लेकिन बाद में कैसे उसके 150 के आसपास हो गए थे 150 रुपए किलो डोडे 150 रुपए किलो डोडे तो अब जब भी गवर्नमेंट नहीं खरीद तो किसान के बच जाते सारे डोडे फिर नहीं वो बच तो जाते लेकिन अब किसान तो परेशान हो रहे हैं अभी तो कैसे अब गवर्नमेंट खरीद नहीं रही है ओके खरीद नहीं रही तो वो कभी तो आते हैं कि किसी जलाओ इनको अच्छा तो हमारे को क्या गवर्नमेंट को देना पड़ता है नहीं यदि मान लो आपसे गवर्नमेंट ने खरीदे नहीं है डोडे क्योंकि अफीम में 3 चीज़ें निकलती है एक अफीम निकलेगी खसखस में एक खसखस एक अफीम और तीसरा आ जाएगा पोस्त जिसको बोलते हैं पंजाबी में तो पोस्त वाले जो डक्कों से बनता है पोस्त जहाँ उसके डोडे में जब निकल जाता है उससे बनता है ना तो वो गवर्नमेंट अब नहीं खरीद रही नहीं खरीद रही है तो फिर उस वो क्या कहती है सर गवर्नमेंट कहती है उसको खेत में चलाओ उसको मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जैसे आप हम डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकते गवर्नमेंट ये कहती है कि इसको आप हमारे सामने जलाओ अच्छा, हमारे को ला के दो तो सरकारी अधिकारी 3 साल हो गए किसी किसान परेशान हो रहे हैं खिलाफ किसान ये कर रहे हैं कि किसी भाई या तो आप जो भी किसी तय करना है कि भाई कोई भाव तय करो और भाव तय करो और इसको ले लो बिल्कुल और बाकी पड़े हैं अब लोगों के घरों में सड़ जाते हैं और फिर लोग बाकी किसी कुएं में डालते हैं कहीं डालते हैं कैसे नष्ट कर रहे हैं तो वो आपका फालतू चला जाता है वो फालतू चला जाता है बाकी उसके पैसे आ रहे थे पहले आते थे अब नहीं आ रहे तो ये तो है एक नंबर मार्केट जो वाइड मार्केट है
लेकिन ब्लैक मार्केट में तो इनका काफी ज्यादा भाव होता है। ब्लैक मार्केट में तो भाव है ही है, लगभग 50 गुना ज्यादा हो जाता है, यदि 4 लाख तो। तो आपको ये, हमने पिछली बार किसानों से बात की थी, वो बोले थे जब हमारे पास मान लो हमने जब अफीम बोई है ना, हमने तोड़ ली उसका, और जब उनको हमने स्टोर किया तो गवर्नमेंट 10-15 दिन के बाद लेती है या महीने के बाद लेती है ना, तो तभी तभी पड़ी पड़ी सूख भी जाती है, वो बहुत सूख, बहुत ही सूखती है अफीम, बहुत सूखती है। मतलब जैसे आपके अफीम पैदा हो रही है उसके बाद में पड़ी रखो आप तो कम से कम 2 किलो से लगा के 10 किलो तक सूख देती है। 2 किलो से 10 किलो तक, मतलब जैसे जैसे अपन दवाएं छाड़ते हैं उसमें, ओके, किसी खेत में आती बिल्कुल ढीली ढीली और किसी खेत में आती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी, ओके, तो जो अच्छी आती है वो तो सूखती नहीं है, जो पानी जैसी आती है वो सूखती है, और पड़ी पड़ी इसमें तो जाने में तो कभी कभी तो 2 महीने लग जाते हैं। तो जब मान लीजिए जब आपकी फसल आ जा रही है अफीम की, तो गवर्नमेंट कितने टाइम के बाद खरीदती है उसको? मतलब 1 महीना भी लग जाता है और 2 महीने भी लग जाते हैं। तो जो 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 स्टोरिंग वो स्टोर के दिन है तो आपके लिए चिंता होती है कि ये जितनी वो तो ध्यान रखना पड़ता है उसका, तो मतलब यूं देख लो किसी जैसे बच्चे को पालते ना वैसे वैसे कुएं पे भी ऐसी की ऐसी हालत रहती है, और घर पे ला के रखो तो पूरी रात रात भर जागना पड़ता है। तो एक जब आप जो आपके खेत होते हैं वहाँ पे अफीम के डोडे वगैरह चोरी नहीं होते? होते ना। तो क्या कैसे ना, जब चोरी होती है अफीम की खेतों से तो कैसे कंट्रोल करते हैं उसको आप? मतलब ये क्या गांव वाले सभी मिलके किसी निगाह भी रखते हैं उसमें, क्या गवर्नमेंट ने ऐसा इसमें नियम ही ऐसा बना रखा है, मान लो जैसे कि मेरे खेत पे चोरी हो गया, ओके, तो उसमें ये करना पड़ता है कि मेरे डोडे चोरी हो गए तो अगर मैं रिपोर्ट दर्ज कर दूंगा कि मेरे डोडे चोरी हो गए और अफीम नहीं दूंगा तो मेरा पट्टा वैसे ही कटेगा, इसलिए हमारे को क्या करना पड़ता है कि ये सभी को मिल मुला के, जैसे आप आपके चोरी हो गई या मेरे चोरी हो गई, तो सब लोग मिल मुला के थोड़ा 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 इकट्ठा करके कि यार इसका पट्टा नहीं कटे, कैसे इसको जो भी देने हैं जो दो, तो मतलब तो पहले जो काश्तकार हैं अफीम के उनका उनका अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि यार जरूरी है, यदि सब मिल मुला के करना पड़ता है। और अफीम बीजना ऐसे है जैसे हथियार रखना। हाँ बिल्कुल, जैसे हम सोचते हैं रिवाल्वर चोरी ना हो जाए, बंदूक चोरी ना हो जाए, ऐसे भीम चोरी, इससे भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मतलब देखो बाल्टी चोरी हो जाती है। अच्छा, घर में पड़ी भी चोरी हो जाती है? घर में पड़ी रहती है। अच्छा, घर में पड़ी रहती है, आपकी बाल्टी कोई उठा ले गया तो कभी हुआ है? लोग करते हैं, बहुत सारा हुआ है, लेकिन लोग क्या करते हैं किसी रिपोर्ट थाने में तो रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, थाने में तो रिपोर्ट कराते हैं भाई मेरी बाल्टी चोरी होगी, लेकिन ये उनको गारंटी से पता है कि ये पट्टा अपना आने में नहीं है, तो वो हमारे को सबको मिलके किसी उसकी बाल्टी पूरी करनी पड़ती है। तो आपकी बाल्टी पूरी करनी पड़ती है, वो तो आदमी पैसे जरूर देगा आपको, दे देगा जब हाँ, दे देगा, लेकिन सब मिल मुला के भाई थोड़ी थोड़ी एक बार काम चलाना पड़ता है उसका, उसका काम चलाना पड़ता है, वो रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में भी उसको बाल्टी बना के देगा तो ही पट्टा आएगा, बाकी नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद ठाकुर साहब जैसे इसकी लागत होती है तो कितना खर्चा आ जाता है, और मान लो अफीम बीजने में आपका कितना खर्चा आ जाता है तोड़ने, बिजनेस लेके तोड़ने तक एक पट्टा का? मतलब कम से कम 60,000 का खर्चा तो आता ही। तो मान लो 2 लाख रुपए आपको आमदन हुई तो 60,000 उसमें खर्चा चला गया, तो लगभग आपको 1,40,000 1.5 लाख रुपए बचत होती है, 1.5 लाख बचत होती है ऐसी। तो कभी कभी इस चलो वो खेती तो सबको पता ही है कैसे करते हैं लोग जो है ना, तो मैं आपसे पूछता हूँ आपके गांव की आबादी कितनी है? आबादी मेरे तो है 1,50,000।
एक 1,500, उसमें कितने लोग अफीम खाते होंगे, आप सच सच बताना, जहाँ पे अफीम होती है क्या वहाँ पे लोग अफीम खाते हैं? हमारे गांव में एक भी आदमी अफीम नहीं खाता है। आप शोर शोर 70 साल से अफीम हो रही है और आपके गाँव फिर भी नहीं खाता है? कोई नहीं खाता है, सिर्फ आप पैदा कर दो खाते नहीं हो बस। क्यों, ऐसा क्यों है? आपके आपको पता नहीं कि ये नशा है, आपके लोगों को पता नहीं है? सबको पता है कि अफीम शरीर पे क्या नुकसान होता है इससे, इस वजह से खाते नहीं। और आपके यहाँ मैं इसमें नहीं बोल दीजिए, जैसे पंजाब के लोग काफ़ी इसके प्रति रहते हैं, जो मैं भी पंजाबी हूँ तो हमें हमारे लगता है कि ऐसे लगता है जहाँ पे अफीम होते हैं सारे अफीम खा के बहुत काम करते होंगे सारे, जैसे तोड़ी सवेरे और लग गए काम पे सवेरे तोड़ी लग। आप लगे आप लोगों को क्या है कि जैसे देखो हमारे यहाँ अफीम होती है, ओके, जैसे अफीम हमारे यहाँ अभी होती है उसको तो आप भी नहीं खा सकते। आप भी चाय इतनी सी भी मेरे हिसाब से प्योर चीज़ तो नहीं खा सकते, मुँह में छाले हो जाते हैं आपके यहाँ तो। हमारे यहाँ से जाने के बाद में तो 10 गुनी वो बढ़ा देते हैं, 1 किलो के 10 किलो कर देते हैं। अच्छा, तो मान लो जो ब्लैक ही होते हैं वो ज़्यादा, जो ब्लैक मार्केट में आप कहते हो कि प्योर को तो कुछ भी नहीं खा सकते, जब वहाँ तक पहुँचते हैं लोगों के पास ब्लैक तो 10 गुना बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, मतलब हर आदमी थोड़ी थोड़ी बढ़ाता ही है। जैसे मैंने बेची, अगला आदमी ले जाएगा थोड़ा सा किलो, वो बढ़ाएगा आधा किलो बढ़ाएगा, फिर अगला ले जाएगा, फिर वो बढ़ाएगा। ठाकुर साहब, ये मान लो जो आपने बीजी वो सरकार को दे दी, तो ये ब्लैक मार्केट में अफीम कहाँ से आती होगी? ब्लैक मार्केट में अफीम तो जाती तो हम लोगों से ही है। अच्छा, तो रास्ते में कहाँ से चूक होती होगी? आप नहीं देखो, पहले और अब में ये फर्क है कि अब गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लग गई है। मैंने सीसीटीवी कैमरे भी लगते हैं क्या? सीसीटीवी कैमरे तो हर घर पे लगाने लग गए आजकल। नहीं, खेतों में भी लगते हैं क्या? खेतों में तो अभी तो नहीं लगाने लगे हैं हमारे यहाँ पे तो, लेकिन फिर भी किसी अब तो यूँ रस्ते में अच्छा देख तो, लेते हैं। तो हाँ, हम उस बात पे थे कि कैसे ब्लैक मार्केट में अफीम पहुँचती है आपके हिसाब से? ब्लैक मार्केट में जैसे किसी अफीम बची, अगर कोई गाँव में कैसे किसी के कम पड़ी तो लोग उसको देंगे पहले, ताकि वो ब्लैक पकड़ में आएगी नहीं। इस तरह अगर किसी के ज़्यादा बची तो फिर वो आदमी ब्लैक तो करेगा उसको। अच्छा, वो पड़ी तो रखेगा नहीं, जो पड़ी है जो बाकी बचती है वो ब्लैक मार्केट में वो ब्लैक मार्केट तरीके से चली जाती है। चलो, वो तो अलग इशू है कि ये कैसे पहुंचती है ना, वो तो गवर्नमेंट देखे गवर्नमेंट, लेकिन हमने तो किसानी के तौर पर देखना है। तो मुझे आप बताइए कि आपके किसानों के हालात अच्छे हैं? हालात तो अच्छे हैं, अफीम के पट्टे जिसके पास हैं उसके हालात तो अच्छे ही हैं। तो आपके 30 घरों में मान लो अफीम होती है और बाकी के घरों में जो जिनके पास अफीम नहीं है, एक तो वो काश्तकार जिसके पास अफीम का पट्टा नहीं है और एक पास जो इसके पास पट्टा है, दोनों में अच्छा कौन है? जो अफीम के पट्टे वाले हैं वो सरसब्ज हैं, वो अच्छे हैं। तो उनकी आमदनी दूसरे से कितने गुना ज़्यादा होती है? मतलब देखो ना, आप कैसे अब 2 लाख रुपए मान लो, आप 2 लाख रुपए अफीम के पट्टे के मिल जाते हैं, तो 2 लाख रुपए इधर मिलते हैं और उधर तो एक बीघा भी बोएगा किसान तो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे 15-20 बोरी गेहूं निकल जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपए मान लो आप एक खेत पे। ओके, जैसे 50 बीघा मेरे पास है, 100 बीघा मेरे पास है, तो मैं मेनली ये मानूं कि वहाँ पे 30,000 बनते हैं और यहाँ पे 2 लाख बनते हैं।
हाँ, तो उसमें से 30 में 10,000 खर्चा निकाल, उसको 20,000 बचता है, आपको 1.5 लाख बचता, 1.5 लाख बचता है। तो मैं समझता हूँ कि 8 गुना ज्यादा पैसे अफीम के, अफीम वाले किसान के पास आते हैं, आते हैं, तो 8 गुना अफीम वाले। तो इतों जो ये लगता, जिम्मे ठाकुर साहब ये गलते मोर लाते, जेकर अफीम की खेती होंगी है तो ओबियसली किसानों जिन्नी अज पंजाब दे विच आपां कहीए कणक तो, खास करके क्योंकि मैं कणक नाल तां कंपेयर करदा क्योंकि ये खेती कणक नाल ही बीजी जा सकती है, तो अफीम वेचण जिहड़ा बीजण नाल जिहड़ा आपां कहीए कणक नाल 8 गुणा मुनाफा ज़्यादा होगा। जे तुहानू अज 30,000 बचदा तो लगभग एक किले चों उत्थे 2.5 लाख रुपया बचूगा, तो यह एक तरह का पॉजिटिव है। तो आप इस आपकी जिंदगी का ये एक्सपीरियंस है साहब कि जो भी अफीम बोई जाए खेतों में तो उससे ऐसा नहीं होता कि लोग अफीम खाने लग जाते? नहीं खाते, नहीं खाते, मतलब आपके हकीकत में ये है कि आपके पंजाब में अगर बोने लग जाएंगे ना ऑटोमेटिक छूट जाएगी अफीम। क्या बात है, तो ये इस बात के मोर ठाकुर साहब ने भी लगा दिया कि यदि पंजाब में पंजाब दे विच जे अफीम की खेती होने लग जाए तो ठाकुर साहब कहते जिहड़े अफीम खाते आ पंजाब दे विच वो भी छट जाएंगे, छट जाएंगे, छड़ जाएंगे। ये आपका एक्सपीरियंस है क्योंकि 3 पीढ़ी हो गए ठाकुर साहब को, ठाकुर साहब के पास 3 खेत हैं लेकिन ठाकुर साहब नहीं खाते, ना इनके गांव का कोई खाता, कोई नहीं गांव नहीं खाने गांव में कोई। ठाकुर साहब फिर नशा कौन सा करते हैं यहाँ के बंदे, फिर शराब वगैरह? शराब पीते हैं लोग, और केवल शराब ही और या कुछ और भी होता है? बस केवल शराब। जैसे जो आप तो घूमते रहते ठाकुर साहब, जैसे पंजाब में चिट्टा सुना होगा आपने, ड्रग्स आ गई, सिंथेटिक ड्रग आ गई, इधर तो ऐसा नशा नहीं है? नहीं है, सही है, मतलब हमारे यहाँ यही नहीं है। अच्छा, जहाँ अफीम होती है वहाँ पे चिट्टा नहीं है? नहीं, अफीम होती है वहाँ पे भी है, जैसे अब हमारे कपास सर्कल आ गया, ओके, तो उसमें वो सिगरेट पीते हैं कोई, कोई वो सूंघते हैं, मतलब बहुत सारे हैं इसके बनाते हैं ना इसके। अच्छा, तो अभी मान लो आपके गांव में नहीं है? हाँ, हमारे गांव में तो नहीं। तो ठाकुर साहब लास्ट में आप जैसे अफीम की खेती की डिमांड उठ रही है पंजाब में, तो क्या आप उस उन किसानों के फेवर में हो कि हाँ तो फेवर में हूँ, अफीम के तो पट्टे मिलने चाहिए, मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। तो जब आपके पास सरकारी मुझे तो इस जो ठाकुर साहब गल के फेवर चा कि किसानों जो है खेती कर, और लास्ट में ये पूछना चाहते हैं क्योंकि क्योंकि मंडीकरण की सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, कोई भी फसल हो आप, तो यदि जब आप दो एक मान लो अभी फसल काट ली जाती है अफीम की, अफीम को स्टोर कर लिया जाता है, फिर कहाँ पे जमा करवा के आते हैं, जहाँ लोग जहाँ सरकार घर से लेके जाती है? नहीं, सरकार घर से नहीं लेती, तो जहाँ पे भी एक पॉइंट बना लेते हैं, जैसे अपना जिला है, ओके, अपना जिला है तो जैसे 2 कांटे लगाते हैं चित्तौड़ में, 1 लगता है निम्बाड़ा में, 1 पहले सांवराजी में लगता था, इसलिए जैसे पास पास में लगाते हैं, मतलब यूँ एक एरिया कवर करते हैं कि इसके 2-3-4 तहसील एक जगह, 4 तहसील एक जगह, 4 तहसील एक जगह, ऐसे। तो वहाँ पे तो जब आप अफीम लेके जाते होंगे फिर उसकी सिक्योरिटी भी काफ़ी रखनी पड़ती है, जहाँ आराम से चले जाते हैं? नहीं, आराम से तो नहीं जा पाते हैं, किसी गाड़ी जैसे आप एक बस कर ली, अच्छा, उसमें बैठ के जाते हैं, जैसे हमारे पास गाड़ियाँ हैं, ओके, तो 2-4 साथ बंदूक वाले भी जाते हैं, वो साधन तो रखना पड़ता है, साधन तो रखना ही पड़ता है, साधन तो रखना, और उस पर क्या उसमें गवर्नमेंट भी ध्यान रखती है, जैसे हमारा थाना है तो वो भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आज उस गांव की बाल्टियाँ जाएगी, आज उस या गांव की बाल्टियाँ जाएगी, तो थोड़ा सा यूँ गश्त का रखते हैं, रात को गश्त रखते हैं। तो एक लास्ट वाला ठाकुर साहब, जैसे आपने बोला कि आपकी एक आरी होती है ना, 20 आरी का 1 बीघा होता है, 1 बीघा होता है, तो 1 बीघे में कितनी अफीम हो जाती है, यदि कम से कम और मैक्सिमम, मान लो एक बार मौसम नहीं लगा अच्छे से
और दूसरी बार मौसम अच्छा लगा, मिनिमम से मैक्सिमम कितनी फीम हो जाती है? मतलब मैं यूँ बता रहा हूँ ना आपको, कैसे जैसे 900 ग्राम तो आपको बता ही रहा हूँ, वो तो सरकार को देनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी, तो ये गारंटी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको 900 ग्राम हो ही जाएगी, 900 ग्राम से कभी कम भी होती है, मतलब खेती करने वाले पे है, जैसा किसान होगा, जैसा पैसा खर्च करेगा उसके वफीम अच्छी होगी, जैसे दाल लग गया वो बात अलग है, बाकी लोग बाग पैसे खूब खर्च करते हैं इस पर, पैसा बहुत खर्च करते हैं, बहुत खर्च करते हैं, तो इसमें लागते स्प्रे पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कने बहुत लगता है इसमें, ये खर्चे ही मेरे आज जो आपको बता रहा हूँ ना 60,000 मेन तो वही है, दवाई ही दवाएँ हैं इसमें। अच्छा, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड जो और इंसेक्टिसाइड दोनों पड़ते हैं? दोनों पड़ते हैं, तो उसका काफ़ी खर्च होता है, उसका बहुत खर्च होता है। तो आपके यहाँ पे खेती करने वाले किसान ज़्यादातर आदमी होते हैं या औरतें होती हैं? यहाँ दोनों तरह के लोग काम करते हैं। और एक बेसिक क्वेश्चन है आपसे, जैसे हाँ जी, जैसे किसान लोग हैं हमारे यहाँ पर, जैसे दूसरी कास्ट के लोग होते ना, उनके तो क्या है, वो पूरे घर के काम करते हैं उसमें। ओके, जैसे वो औरतें बच्चे सब काम करने लग जाते हैं। ओके, जैसे हमारे हैं तो हमारे घर वाले तो कोई काम करते ही नहीं। ओके, बस काम करना वो मेरा पट्टा है तो मैं ही काम, मैं भी काम नहीं करता हूँ, तो मैं भी गाँव पास आस पास में घूमता रहता हूँ, वो हम जैसे हमारे पट्टा है तो हम कोशिश ये करते हैं कि जितने आदमी आदमी मिले तो आदमी आदमी से काम लो, अफीम लूने के टाइम, और बाकी तो औरतें काम करती है खोदने में, बहुत खुदाई, बहुत 3-4 बार खुदाई करनी पड़ती है। अच्छा, जो खुदाई जो मैं पंजाबियों का गोडी करनी पड़ती है वो औरतें करती है, और जब तोड़नी होती है उसमें अफीम निकाल, उसमें ज्यादातर आदमी वो आदमी करते हैं, वो भी प्रोफेशनल होंगे। हाँ, वो जानकार आदमी होंगे, वही जानकार उन्हीं को बुलाते हैं लोग, वो आपके गाँव के होंगे क्योंकि आपके गाँव में इतना साल हो गया। हाँ, अपने गाँव में तो है, तो ऐसे है, लेबर की प्रॉब्लम नहीं आती इसमें? लेबर की प्रॉब्लम हाँ नहीं आती, अफीम में नहीं आती, क्योंकि अफीम में रेट बढ़ जाती है, अफीम के जो काम करते हैं ना उनको, जैसे हम 250 रुपये में मजदूर बुलाते हैं दूसरे, तो जो अफीम में काम करते हैं वो 500 रुपये लेते हैं। अच्छा, जो अफीम आपकी इकट्ठी करते हैं तोड़ते हैं जो भी, तो उनको एक दिन की दिहाड़ी भी 500 रुपये मिलती है। इतों वधिया गल है कि जेकर अफीम होने लगूगा तो नाल मजदूरों की हालत भी सुधरूगी, थक हाँ मजदूर आराम से पैसे कमाते हैं उस टाइम। बिल्कुल, तो मज कले किसानों की नहीं नाल मजदूरों की भी जी है दिहाड़ी दुगनी हो जानी है। तो एक वो लास्ट के एक ये भी पूछना कि जिस पट्टे में आप अफीम बोई है उसमें कितनी फसलें हो जाती है एक साल में? बस एक फसल तो जैसे अफीम की होगी। ओके सर, उसके बाद में हमारे यहाँ पे थोड़ी पानी की कमी रहती है गर्मी में। अच्छा, तो गर्मी के टाइम में ऐसा कुछ बो देते हैं कि जैसे कद्दू है, सब्जी वगैरह, सब्जी सब्जी जैसे मूंग है। अभी क्या लगाया हुआ है आपके खेतों में? अभी तो जैसे मैंने जैसे वो अफीम वाले खेत में, अफीम वाले खेत में मैंने अभी चावले बो रखे हैं। चावले, चावले नहीं होते हैं फलियां वाले? फलियां वाले चावले के हैं। हाँ, वो बो रखे हैं। सब्जी होती है? सब्जी के लिए नहीं बो रखे उनको, उनको केवल वो इतने बड़े हुए हैं अभी, उसको डिस्प्ले से पलटी लगा दी तो ठीक है, तो वो उसका खाद बनाते हैं, खाद बनाने के लिए वो उसने। और तो आप तो फिर खेत एक ही बार अफीम ही बोते हैं, बाकी कुछ नहीं बोते? नहीं, अफीम के हाँ मतलब यूँ वो तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बाकी तो मैं उसमें मक्की वक्की सब बोते हैं, कैसे मक्की बोते हैं, सोयाबीन। दो फसलें हो जाती है? दो फसलें तो होती है, दो फसलें हो जाती है एक। लेकिन वो क्या, अभी जैसे बारिश लेट हुई तो अब उसके लिए अफीम के तो टाइम थोड़ा जल्दी चाहिए। तो ठाकुर साहब, क्या कारण रहे कि आप, क्योंकि 3 जिले ही हैं मुझे लगता है, कहाँ कहाँ पे राजस्थान में फीम होती है आप बताइए थोड़ा सा।
राजस्थान में एक तो अपना चित्तौड़ जिला है, भीलवाड़ा, चित्तौड़ है, ओके, प्रतापगढ़ है, और एक उदयपुर का थोड़ा सा हिस्सा है। थोड़ा तो क्या इन्हीं जिलों में क्यों सरकार ने अफीम उगाने की इजाज़त दी, आपको क्या कारण लगता है? किसानों की हालत अच्छी नहीं थी जहाँ क्लाइमेट इसके अकॉर्डिंग था, जहाँ आपको पुराने समय ये से क्या बहुत पुराने टाइम की बातें हैं, मेरे टाइम से तो पहले की, लेकिन वो जो है जिन लोगों को मिला, जो जैसे गांव, तो उसी एरिया में अभी भी चल रही है, और कुछ गाँव ऐसे आए जिनके 5 पट्टे बच गए और दूसरे लोगों के जैसे हमारे 30-35 पट्टे हैं, और हमारे अगर 5 रह जाते हैं तो 5 तक तो चलेगा गांव, 5 से कम हुए तो पूरा गांव ही कट जाएगा। तो अच्छा। हमारे 5 पट्टे हैं, हमको भी दूसरे गांव में ले जाके बोने पड़ते हैं। अच्छा, फिर ये भी पंगा ही है, कहने भी सर कहने भी जेकर किसी गाँव किसी पिंड 5 पट्टे तो घट रहे जाते तो वह गाँव के फिर आप बो नहीं सकते, अपन ठेके से लैके ठेके लेके फिर दूसरे गाँव में बोने पड़ते हैं, बोनी पड़ती है। सो ये जी है अफीम की खेती के उत्ते मेरी जी है प्राइम डिस्कशन आ ठाकुर साहब ना कि तुहानू पता हो जो है अफीम की खेती ना सानू फायदा होना नुकसान होना। बिल्कुल जे मैं कंकलूजन गल करा तो बिल्कुल किसान नू जिहड़ा फायदा होना, लगभग तुसीं अद्धे किले का जिहड़ा किसान 2 लाख रुपया घट्टो घट जिहड़ा कमा सकदा। सो पंजाब दे किसानां दी हालात जिहड़ी तरसयोग है, तो घट्टो घट जिहड़े छोटे किसान उन्हां नू सरकार नू पट्टे देने चाहीदे आ। ते दूसरी गल इह है कि क्योंकि सरकार इह कहिंदी है कि यार पंजाब दे लोक अफीम खाण गिज जाणगे, तां उहदी जिहड़ी मिसाल आ तुहाडे सामणे ठक्कर साहब बैठे, इहनां दा पिंड बैठा, बाकी जिन्ने क मैं पिंड देखे तो जिथे अफीम होंदी आ उत्थे जिहड़ा आपां गल करिए उत्थे अफीम खाद नहीं जांदी। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं दस्सदा कि साढ़े खेतों के आम ही भंग खड़ी रहिंदी आ मालवे दे विच, ठीक है, इधर भंग पीने के वाले लोग ज़्यादा होंगे, है ना, या भंग भी नहीं पीते, है ना, तो यहाँ पीते नहीं, पर अंग्रेज आ जिहड़े वो भंग पीते हैं, आपको है ना, तो जदि अंग्रेजों को हमारे खेतों में छोड़ दिया जाए तो वो कहेंगे यार सारा कुछ फ्री में मिल रहा है तो आप लोग पीते, पर जो जिहड़ा नशा जिथे हुंदा ना अपने भंग नूं कोई पुछदा ही नहीं गा, ठीक है, तो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿਆਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਪੀ ਹਸਕਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਮ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਬੀਜ ਬੂਜ ਲੈਂਦੇ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਠੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੀਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟ ਲਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।